हेलो बॉयज़, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल बाइक्स एंड बॉयज़। सो यार, सितंबर अक्टूबर से लगभग दिवाली का सीज़न चालू हो जाता है और बाइक्स की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे में भी कुछ ऐसी बाइक्स हैं जो सितंबर 2020 में 1000 यूनिट से भी कम सेल हुई हैं। तो ऐसे ही आज हम 10 बाइक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपनी सितंबर 2020 में 1000 यूनिट से भी कम सेल हुई हैं। तो जिसमें हमारी सबसे पहली बाइक जो आती है, जिसका 10th नंबर पर है, वह है अप्रिला SR125। यह एक स्कूटर है अप्रिला का, जो कि 125 सीसी में लॉन्च हुआ था। क्योंकि 125 में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेस्ट्रो भी मिल जाती है, एंटॉर्क 125 भी देखने को मिल जाती है, साथ ही आपको सुजुकी बर्गमैन और एक्टिवा 5G और 6C जैसे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। तो सितंबर 2020 में आपको इसकी सेल काफ़ी कम देखने को मिलेगी, अप्रिला SR125। साथ ही 9th नंबर पर जो एक और स्कूटर आता है, वह है अप्रिला SR160। क्योंकि 150 के ऊपर जितने भी स्कूटर होते हैं उनकी सेल कमी होती है, इनके ऊपर सभी लोग बाइक को प्रेफर करते हैं, बाइक को ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। तो 10th नंबर पर अप्रिला SR125 और अप्रिला SR160 था 10th और 9th नंबर पर। जिनकी यदि हम सेल यूनिट की बात करते हैं, तो अप्रिला SR125 की सितंबर 2020 में 933 यूनिट सेल हुई थी, वहीं अप्रिला SR160 की 907 यूनिट सेल हुई थी। अब हम बात करते हैं अपनी 8th नंबर की बाइक की, जो कि है बजाज की डोमिनार 400। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह सबसे कम बिकने वाली बाइक की सूची में है तो यह बाइक ख़राब होगी, तो जी नहीं, इस बाइक में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन 400 सीसी में आपको और भी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है ड्यूक 390 जैसे ऑप्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल होती हैं। लगभग 2 से 2500 तक इस बाइक की यूनिट सेल होती हैं। तो बजाज डोमिनार 400 885 यूनिट्स के साथ सितंबर 2020 में 8वें नंबर की सबसे कम बिकने वाली बाइक है। तो इस बाइक में आपको अच्छी खासी पावर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। BS6 मॉडल में लगभग 4 HP तक की पावर इसमें बढ़ा भी दी गई है, लेकिन फिर भी 400 सेगमेंट में आपको ऑप्शन अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पर आप हिमालयन, रॉयल एनफील्ड जैसे ऑप्शन को प्रेफर करते हैं, इसलिए बजाज डोमिनार 400 की सेल थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि यदि आप एडवेंचर टूरिंग करना चाहते हैं तो इस बाइक में आप एडवेंचर टूरिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, वहीं हिमालयन और रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक में आप आसानी से एडवेंचर टूरिंग कर सकते हैं, इसलिए यह बाइक हमारे 8वें नंबर पर सबसे कम बिकने वाली बाइक में है। यदि इस बाइक की हम प्राइस की बात करते हैं तो लगभग 2.5 से 3.25 लाख रुपए में आपको ऑन रोड यह बाइक देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं हम अपनी 7वें नंबर की बाइक, जो कि सबसे कम बिकी है। तो 7th नंबर पर हमारी बाइक आती है यामाहा FG25। यह बाइक एक ऐसी है जो कि 250 सीसी के इंजन के साथ में आपको अंडर 2 लाख रुपीज़ देखने को ऑन रोड देखने को मिल जाती है, मतलब 2 लाख के अंदर आपको ऑन रोड यह बाइक देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी पावर और परफॉर्मेंस के साथ में। लेकिन यदि हम इसकी टॉप स्पीड की बात करते हैं तो 250 सीसी के इंजन के हिसाब से इस बाइक की टॉप स्पीड ज़्यादा नहीं है। यदि आप FZ250 लेना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ड्यूक 250 के साथ में जाएं। थोड़े से आपको पैसे ज़्यादा पे करने होंगे, पर आपको एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अच्छी पावर और परफॉर्मेंस, साथ ही आपको एक अच्छी टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाएगी, साथ ही उस बाइक में आपको कुछ नए फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यह थी हमारी 7th नंबर की बाइक, जिसकी लगभग 836 यूनिट सितंबर 2020 में सेल हुई है, यामाहा FG25। 6th नंबर पर हमारी जो बाइक है वह है हस्क्वाना 250 ट्विंस। इस बाइक में आपको अच्छी खासी पावर परफॉर्मेंस तो देखने को मिल ही जाती है, पर साथ ही एक आपको ऐसा लुक देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा आई कैची होता है और आपको एक डिफरेंट फील कराएगा मार्केट में, क्योंकि ऐसे लुक्स आपको बहुत कम बाइक्स में देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक का लुक आपको इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जैसा देखने को मिल जाएगा। तो यह थी हमारी हस्क्वाना 250, जो कि 6th नंबर पर सबसे कम बिकने वाली बाइक्स में है और इसकी सितंबर 2020 में 764 यूनिट्स ही सेल हुई हैं, और यह बाइक आपको 2 से 2.5 लाख रुपए के अंदर में ऑन रोड देखने को मिल जाती है। अब बढ़ते हैं हम अपनी 5वीं बाइक की तरफ, जो कि है TVS कंपनी से। तो TVS कंपनी की जो सबसे बड़ी बाइक है और सबसे ज़्यादा पावर और परफॉर्मेंस डिलीवर करने वाली बाइक है, वह है TVS Apache RR310। लेकिन साथ ही यह 5वें नंबर पर सबसे कम बिकने वाली बाइक्स में से भी एक है। इस बाइक की केवल और केवल 475 यूनिट्स ही सितंबर 2020 में सेल हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, बल्कि ये है कि यह बाइक
ऐसे सेगमेंट में आती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ड्यूक 250 का ऑप्शन मिल जाता है, MT3 का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और काफ़ी सारे ऑप्शन के साथ में यह बाइक आती है। और इसके जो कंपटीटर हैं वही भी लगभग इसी के सिमिलर पावर और परफॉर्मेंस डिलीवर कराते हैं। इस बाइक में आपको अच्छी खासी 33 BHP की पावर देखने को मिल जाती है जो कि लगभग 27 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। और यह बाइक आपकी अंडर 3 लाख रुपीस ऑन रोड देखने को मिल जाती है। इस बाइक की जो कॉस्ट है वह वैल्यू फॉर मनी है, ये तो क्लियर बात है। हाँ, इसकी जो सेल्स है वह थोड़ी कम हुई है। अब हो सकता है कि अक्टूबर 2020 में इस बाइक की जो सेल्स है वह बढ़ जाए। तो यह थी हमारी 5वें नंबर की बाइक। अब आते हैं हम 4th नंबर पर और इसमें हमारा एक स्कूटर ऐड हो जाता है जो कि यह बजाज कंपनी से बजाज चेतक। जब भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का आवागमन हुआ ही था तब बजाज चेतक सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कूटर हुआ करता था। इस स्कूटर में आपको अच्छी खासी रेंज देखने को मिल जाती है। एक बार चार्ज करने पर यह स्कूटर लगभग 80 से 85-90 किलोमीटर तक आसानी से चल जाता है। इसमें आपको पूरी LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं और अच्छी खासी पावर भी देखने को मिल जाती है। यदि इसके हम बॉडी पार्ट्स को देखते हैं तो एक आपको प्रीमियम स्कूटर की फीलिंग आती है क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं वह बजाज ने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किए हुए हैं। इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कलर स्कीम के साथ लॉन्च किया हुआ था लेकिन उसके बाद भी इस स्कूटर की कुछ ज़्यादा सेल नहीं हुई है। यदि हम सितंबर 2020 की बात करते हैं तो इस स्कूटर की केवल 288 यूनिट से सेल हुई है। अब इसका क्या कारण है ये तो भाई मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि बजाज ने आज तक अपने स्कूटर कभी लॉन्च नहीं किए हुए हैं। बजाज की जो सेल्स रिपोर्ट आती हैं वह केवल और केवल बाइक्स की ही रहती हैं। इसका एक भी स्कूटर पेट्रोल या डीजल वाला अभी तक मार्केट में आया नहीं था। हो सकता है यही एक कारण हो कि बजाज चेतक पर लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी पावर और परफॉर्मेंस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यह थी हमारी 4th नंबर का स्कूटर जो कि सबसे कम सेल हुआ है सितंबर 2020 में। अब बात करते हैं टॉप 3 सबसे कम बिकने वाली बाइक्स और स्कूटर्स के बारे में। तो 3rd नंबर पर है सुजुकी इंट्रेडर जिसकी केवल 259 यूनिट से सितंबर 2020 में सेल हुई है। सुजुकी एक अच्छी खासी कंपनी है जो कि अपनी बाइक्स के लिए जानी जाती है। इसमें आपको सुपर बाइक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है लेकिन इंट्रेडर का इतनी कम यूनिट्स में सेल होना क्या कारण है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सितंबर 2020 में 259 यूनिट्स से सेल हुई है जबकि यह शुरू में जब बाइक आई थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी सेल्स रिपोर्ट रही थी। हाँ, इसकी जो पावर और परफॉर्मेंस है वह आपको कम देखने को मिल जाती है क्योंकि यह एक बाइक ना तो स्पोर्ट्स बाइक है आपकी ना नेकेड बाइक है, यह आराम से चलाने वाली बाइक है। तो इसकी जो सेल्स रिपोर्ट थी वह शुरू में तो काफ़ी अच्छी रही लेकिन अब सितंबर 2020 में काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। 2nd नंबर पर फिर एक ऐसी बाइक आती है जो कि सुजुकी कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, सुजुकी जिक्सर 250। यह बाइक 2 लाख के अंदर में 250cc इंजन के साथ में आई थी और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फियरिंग्स देखने को मिल जाती हैं। यह एक स्पोर्ट बाइक की तरह मार्केट में लॉन्च हुई थी। इसकी मांग तो काफ़ी ज़्यादा रही थी कि 250 बाइक कब लॉन्च होने वाली है लेकिन जैसे ही यह बाइक लॉन्च हुई तो शायद इसकी पावर और परफॉर्मेंस को देखते हुए लोगों को यह बाइक ज़्यादा पसंद नहीं आई और इसलिए सितंबर 2020 में इसकी केवल 84 यूनिट्स ही मार्केट में सेल हो पाई हैं जबकि यह बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर और परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। हाँ, इस बाइक की यदि हम अदर 250cc के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इसमें थोड़ी कम आपको पावर देखने को मिल जाती है। 1st नंबर पर जो हमारा है वह एक स्कूटर है TVS iQube। इसकी केवल और केवल 7 यूनिट से सेल हुई है 2020 में। यह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि TVS कंपनी ने लॉन्च किया हुआ था लेकिन इसके अनुसार इसकी जो सेल्स रिपोर्ट रही वह काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रही। तो यह थी हमारी वह 10 बाइक और स्कूटर जो कि सबसे कम सेल हुए सितंबर 2020 में। यदि आपको और किसी संबंधित वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वह आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। मिलते हैं आपके साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।